अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक ठाक हों, खुशबाश, और आप सब की दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक ठाक हैं। और गर्मी जो है वो खूब पड़ रही है, और क्या कहते हैं आजकल जो है थोड़ा सा जो है मौसम थोड़ा अच्छा हो गया है। गर्मी तो है लेकिन साथ में ठंडी ठंडी हवा भी चल रही होती है, इसलिए इतना फील नहीं होता। वरना वो वाली जो गर्मी थी ना पाकिस्तान इंडिया वाली, वैसी गर्मी मतलब हो रही थी कि जैसे मुंह बाहर निकाला हो तो ऐसे जैसे थपेड़े पड़ रहे हैं मुंह पे, बहुत सख्त गर्मी थी। तो खैर बच्चों को जो है वो छुट्टियां हो चुकी हैं, 28 जुलाई से उनकी स्टार्ट हो गई हैं, और तब से मैं जो है थोड़ा थोड़ा व्लॉग बना रही हूँ। और फाइनली आज मैं जो है वॉइस ओवर कर रही हूँ, आपको तो पता ही है क्यों करती हूँ वॉइस ओवर। खैर अभी जो है हम जा रहे हैं मार्केट, जैसा कि आपने देख लिया है मार्केट जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? क्योंकि हमारे रिलेटिव्स जो हैं वो पाकिस्तान जा रहे हैं, तो उनको हम मिलने जा रहे थे। तो कुछ चीज़ें लेनी थी मैंने यहाँ से, वो पाकिस्तान भेजनी थी, तो मैंने सोचा जाते हुए ले जाती हूँ बस एंड टाइम पे। तो अभी यहाँ से लेंगे, मेरे अबू ने मुझे बोला था कि मेरे लिए जो है वो सन ग्लासेस भी भेज देना, तो यहाँ से मिलेंगी अच्छी वाली, तो यहाँ से मैं लूँगी। और हरीम जो है वो पीछे रह गई थी और उसको पता नहीं चला कि मम्मा कहाँ है, और वो फिर रोना शुरू हो गई। तो खैर उसको मलाला मानू ले आई इस पास, और फिर हमने यहाँ से लिया चश्मा, और फिर उसके बाद हम गए उनके घर। तो उनके बच्चों के लिए भी थोड़ा बहुत खाने पीने की चीज़ें ले ली नीचे से, और हुरलैन जो है वो मेरे साथ बैठी हुई है, और दुआ फातिमा जो है अपनी फूफो के साथ बैठी हुई है। तो जी जनाब हम वापस आ गए थे वहाँ से, हम काफ़ी देर से आए थे उनके घर से, तो काफ़ी हम बैठे रहे बातें करते रहे। और उनको जो है एक दिन छोड़ के फिर जाना था उन्होंने, अगले दिन मतलब फ्राइडे को उन्होंने जाना था, तो खैर वो माशाल्लाह से पहुंच भी गए होंगे अब तक। तो हम लोगों ने काफ़ी जो है वहाँ पे वक्त गुजारा, और फिर शाम मतलब रात आते आते 11 बज गए थे हमारे। तो आज जो है वो सेकेंड डे है, और मैं जो है आज पूरा दिन बच्चों को लेके बाहर नहीं आ पाई, क्योंकि घर के काम काज सफाइयाँ वगैरह शुरू की हुई हैं वो कर रही थी। तो ये अभी जो है शाम का टाइम हो गया और मैं बच्चों को लेकर बाहर आई हूँ। ये पास में ग्राउंड है जो अक्सर आप लोग ने मेरी वीडियोस में देखा ही होगा, तो यहाँ पे मैं ले आती हूँ जब ज़्यादा देर हो जाती है, ताकि बच्चे थोड़ा फ्रेश हो जाए, ताकि इनको नींद अच्छी सी आ जाए। और वरना जो है ना इनको नींद नहीं आती, और मैं बोलती रह जाती हूँ कि सो रहो भाई सो रहो। तो खैर यहाँ पर अक्सर जो है बच्चे होते ही हैं खेलने वाले, तो लाला मानूर जो हैं वो यहाँ पर फिश टेनिस जो होता है क्या कहते हैं उसे टेबल टेनिस, वो भी यहाँ पे खेल लेती हैं, और साथ में फुटबॉल वगैरह भी हो जाता है। और दुआ फातिमा जो है अपना रोलर पीछे ही फेंक के आ गई थी, उसको इतनी खुशी हो गई कि हम ग्राउंड में जा रहे हैं, तो फिर वो पीछे छोड़ा ही और मुझे वापस जाना पड़ा दोबारा से लेकर आने के लिए। और लाला मानू जो है वो पहले से ही आगे चली गई थी और टेबल टेनिस खेल रही थी, और हरीम जो है वो भी अपना बाल लेकर आई हुई है। तो सब बच्चे यहाँ पर बाल खेलेंगे, फुटबॉल के साथ खेलेंगे, थोड़ा इन्जॉय करेंगे, और फिर जो है हम घर चले जाएंगे। और वैसे भी छुट्टियां हैं तो कोई बात नहीं है, थोड़ा लेट भी चले जाएंगे घर, थोड़ा अंधेरा भी हो जाए थोड़ा थोड़ा, तो घर के पास ही तो है, हम जल्दी पहुंच जाएंगे। मैं ज़्यादा लेट हो जाती हूँ, बच्चों को नहीं कहीं लेके जा पाती, तो फिर मैं यहाँ पे आ जाती हूँ, और यहाँ जो है बच्चों को थोड़ा सा खेलने की इजाज़त दी जाती है, घूमने की, ताकि वो उनकी बोरी खत्म हो जाए। बाल यहाँ फेंक दिया इस गंदी जगह में, ये क्या है? खैर मैं आपको बाल निकालती हूँ। मानू को नींद आ रही है, बाहर आके सुस्ती छा गई। दुआ बहुत एक्साइटेड है, खेल रही है, रोल कभी रोलर चलाती है। हरीम ये इधर क्यों डाल रहे हो, बाहर निकालो, आ जाओ इधर खेलते हैं। यहाँ पे टेबल टेनिस खेला जा रहा है, दुआ को कुछ हो गया। दुआ क्या हुआ है, लगी है आपको? कहाँ लगी है? इधर आओ, मैं रगड़ती हूँ आपको सर। यहाँ 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 इधर आ जाओ, वहाँ बड़े बच्चे खेल रहे हैं। दुआ इधर आ जाओ, फातिमा इधर आ जाओ, वहाँ बड़े बच्चे खेल रहे हैं, आ जाओ। दुआ के काम चेक करें ज़रा। दुआ फातिमा ने थोड़ा सा पानी पिया और ज़्यादा जो है वो नीचे गिरा दिया, और अभी उसमें जो है जंपिंग स्टार्ट हो चुकी है। और बच्चों का ये तो फेवरेट मशगला होता है, और लाइट्स जो है वो ऑन हो चुकी हैं यहाँ पर, काफ़ी जो है डुंकल हो गया है, इतना भी नहीं है लेकिन शाम हो ही गई है, वापस जाना चाहिए हमें, क्योंकि आज हम थोड़ा लेट निकले थे इसलिए जल्दी अंधेरा जो हो रहा है, और वैसे भी सूरज जो है जल्दी ग्रुप हो गया, ग्रुप तो नहीं हुआ है, बादलों के पीछे छुप गया था, बादल काफ़ी बने हुए हैं। और लाला मानू जो है वो खेल रही है, और हरीम जो है वैसे ही ऊपर बैठी हुई है, एक जो है वो नीचे खड़ी है, दूसरी ऊपर, और दूसरी तरफ बाल फेंक रही है। तो ये है यहाँ का जिमनासियम स्कूल, यहाँ पर हम आते हैं हर बार। दो जूते पहनो,
जूते पहनो फटाफट जी। तो गाइस आ गए हम नेक्स्ट डे हम गए थे, अपनी फ्रेंड है हमारी एक तुर्किश, तो उसके घर गए थे। वो अक्सर हमारे घर आती है, तो हम भी जो है हमने सोचा कि चलें, उसने हमें बुलाया था तो हम भी चले गए कि देख लेते हैं कि कैसा घर है ये वो। तो माशाल्लाह से बहुत ही बड़ा गार्डन था और खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत था घर। और इस क्या कहते हैं, झूले वगैरह, बच्चों की मसरूफियात की बहुत सारी चीज़ें थी। तो बच्चे तो हमें नज़र ही नहीं आए, बस खेलते रहे और बहुत ज़्यादा इंजॉय किया। और सबकी यही ख्वाहिश थी कि हमारा गार्डन भी ऐसा हो, और क्योंकि हमारे पास गार्डन जो है फ़िलहाल नहीं है। तो बहुत ही मज़ा आया वहाँ पे, बहुत इंजॉय किया, उसने हमें खाना भी खिलाया अपना तुर्किश एहसन जो है, आपने शुरू में देखा अभी जो क्लिप, लास्ट में नहीं शुरू में जो देखा है ना क्लिप, वो क्या बोलते हैं, बहुत ही मज़े का खाना था। और इसके अलावा हेल्दी भी था, बच्चे जो है खाते पीते रहे और खेलते भी रहे, बहुत इंजॉय किया। और इसने बहुत सारी जो है सब्ज़ियाँ वगैरह लगाई हुई थी, सब्ज़ियाँ मतलब टमाटर हो गए, नींबू हो गए और इस तरह की चीज़ें, मिर्चें वगैरह लगाते हैं ये लोग, तो काफ़ी सजावट की हुई थी। और ये बाहर वाला किचन है जहाँ पे उन्होंने ये सारे टमाटर वगैरह लगाए हुए हैं। तो खैर काफ़ी खुला बड़ा घर है और घर था, तो बहुत मज़ा आया वहाँ पे, इंजॉय किया हमने। तो ये थी मेरी आज की वीडियो, आई होप आपको पसंद आई हो। तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलूँगी, अल्लाह हाफिज़।